आईपीएल 2024 का ये सीजन काफी रोमांच भरा रहा है, क्योंकि इस सीजन टीमों में एक अलग ही जंग देखने को मिली। प्लेऑफ्स के लिए अंत तक लड़ाई लड़ी गई, क्योंकि चार टीमों को लेकर मामला क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन जो अब प्लेऑफ का हाल है, वहां सारी चीजें क्लियर हैं और 10 टीमों में से चार टीमों ने अपनी जगह बना ली है। आपको बता दें, ये आईपीएल का सीजन इसलिए भी खास रहा क्योंकि कुछ खिलाड़ियों के लिए शायद ये सीजन अपनी फ्रेंचाइजी या कहें तो उनके लिए आईपीएल का आखिरी सीजन रहेगा। जी हाँ, उसमें एक खिलाड़ी को लेकर तो इस सीजन बहुत चर्चा भी हुई, क्योंकि उनकी टीम ने पहले उनको कप्तानी से हटाया और उसके बाद फ्रेंचाइजी के लिए बुरी खबरें होती हैं और उनकी टीम को भी खिलाड़ी के फैंस बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा की, क्योंकि रोहित शर्मा को लेकर जिस तरह से इस आईपीएल के सीजन में चीजें चली, वो ना तो कप्तान हार्दिक पांड्या के लिए ठीक रही, ना ही उनकी फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के लिए। रोहित शर्मा को लेकर तो खबरें अब ये भी आ रही हैं कि रोहित शर्मा का मुंबई इंडियंस के लिए ये अंतिम सीजन था। 2024 में मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा ने अपना जो आखिरी मैच था वो लखनऊ के खिलाफ खेल लिया। रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए सीजन बल्ले से कमाल दिखाया, लेकिन जो मुंबई इंडियंस की टीम का प्रदर्शन रहा वो बिल्कुल ही खराब रहा। रोहित ने मुंबई इंडियंस को 5 बार की आईपीएल विजेता टीम बनाई, लेकिन टीम ने इस सीजन के शुरुआत में ही रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया और टीम के लिए उसके बाद मुसीबत भी खड़ी हो गई। लेकिन रोहित के रिटायरमेंट को लेकर या कहें तो रोहित के मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ने के पीछे की वजह रोहित के खुद की भी जो चीजें हैं वो भी सामने आई। पहले वो वीडियो सामने आता है जहां रोहित शर्मा कुछ ऐसा कहते हुए नजर आते हैं कि मुंबई इंडियंस के लिए शायद ये मेरा लास्ट हो, और अब एक रोहित शर्मा का ट्वीट भी सामने आया जिसके बाद फैंस भी उस चीज को दोहराने लगे कि क्या वाकई 2024 का आईपीएल रोहित शर्मा का मुंबई इंडियंस के लिए आखिरी आईपीएल है, क्योंकि रोहित शर्मा ने उसमें 4 तस्वीरें शेयर की। उस पोस्ट में रोहित शर्मा के 4 तस्वीरों के अलग अलग मायने हैं। रोहित शर्मा की एक तस्वीर जहां वो टीम के ग्रुप फोटो को शेयर करते हैं, एक फोटो जहां वो मुंबई इंडियंस के नेट प्रैक्टिस की तस्वीर देते हैं जहां वो बैट पकड़े हुए हैं, एक तस्वीर में वो फैंस के इमोशन को शेयर करते हैं, मानो कि वो भावुकता, वो जो कहते हैं ना कि इमोशन अपने इस फ्रेंचाइजी को लेके उन्होंने इस तस्वीर में शेयर की, उस पोस्ट में शेयर की, जिसके बाद फैंस के जो कमेंट थे वो थे कि भाई मुंबई इंडियंस के लिए शायद ये रोहित शर्मा का आखिरी सीजन था और मुंबई इंडियंस अब रोहित शर्मा को रिटेन भी नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने पहले कप्तानी से हटाया और उसके बाद रिटेंशन पॉलिसी की भी बात करें तो आपके पास कुछ और खिलाड़ी हैं जिनको शायद आप रोहित से ऊपर प्राथमिकता दें। ऐसे में तो भाई मामला क्लियर है कि रोहित शर्मा अब मुंबई इंडियंस की टीम में नहीं बनते और रोहित शर्मा मेगा ऑक्शन में भी, रिटेंशन की बात करें तो रिटेन पॉलिसी में मुंबई इंडियंस इनको रिटेन नहीं करेगी। ऐसे में अब रोहित शर्मा मेगा ऑक्शन में एक जाते हैं और वहां वो किस फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं वो भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन रोहित शर्मा के मुंबई इंडियंस के लिए प्रदर्शन की बात करें तो एक कप्तान के तौर पे रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को बड़े मुकाम तक पहुंचाया है। आईपीएल में 5 ट्रॉफी की बात करें तो ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी के साथ रोहित शर्मा का नाम है जिसने अपनी फ्रेंचाइजी यानी मुंबई इंडियंस के लिए ये कारनामा कर दिखाया। अगर इस सीजन में बात करें तो बल्लेबाजी के तौर पर रोहित शर्मा ने टीम के लिए अन्य खिलाड़ियों से बेहतर किया और इस सीजन भी उनके बल्ले से अच्छे रन निकले। अगर रोहित के आईपीएल 2024 के रन की बात करें तो रोहित शर्मा ने 14 मैचों में 417 रन बनाए और वही उनका स्ट्राइक रेट 150 का था, जिसमें उन्होंने एक शतक भी जमाया और उनका सर्वाधिक स्कोर 105 था। अब रोहित शर्मा को लेकर सवाल सामने है कि क्या रोहित शर्मा मेगा ऑक्शन में अपने को दूसरी फ्रेंचाइजी के लिए देखते हैं या मुंबई इंडियंस के लिए ही वो एज ए मैनेजमेंट में जुड़े रहते हैं। अगर वो मुंबई इंडियंस को लेकर ये कहते हैं कि भाई ये मेरा लास्ट है और ये टीम मेरे लिए मंदिर जैसा है, ये रोहित की बातें थी जिसको लेकर रोहित ने अभी दूसरी तरह से उस वीडियो में बताया भी कि अगर होगा तो ये मेरा लास्ट होगा। अब देखना दिलचस्प होगा क्या रोहित शर्मा मेगा ऑक्शन में एज ए प्लेयर उतरते हैं या वो किसी टीम में, कहते हैं कि जिस तरह से डायरेक्ट एंट्री होती है एज ए कप्तान, वो किसी टीम को चुनते हैं या नहीं। आने वाले 2025 में रोहित शर्मा का रोल किस टीम के लिए होता है
वो देखना दिलचस्प होगा।